हाय, दिस इज केदम फ्रॉम आईडीसी। सो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है iOS 18 का डेवलपर बेटा 1 और ये मेरे iPhone 14 Pro पे अराउंड 7 GB का देखने को मिलता है। अपडेट से पहले मेरे iPhone 14 Pro में अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 49.64 GB थी एंड सरप्राइजिंगली अपडेट के बाद मेरी अवेलेबल फ्री स्पेस काफी ज्यादा बढ़ गई है और नाउ अब ये है 71.65 GB। नाउ लेट्स सी iOS 18 बेटा 1 में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि iOS 18 उन सारे डिवाइसेज में सपोर्ट करने वाला है जिसमें iOS 17 का सपोर्ट था, मतलब कि iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max से लेके iPhone 15 Pro Max तक सारे ही iPhone में आपको iOS 18 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो हमको iOS 18 बेटा 1 में देखने को मिलता है वो है कस्टमाइज होम स्क्रीन लेआउट, जहाँ पे नाउ अब आप अपने होम स्क्रीन पे ऐप आइकॉन कहीं पे भी अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने होम स्क्रीन पे यहाँ पे किया हुआ है। ऑल्सो iOS 18 में नाउ अब आप जिगल मोड के थ्रू अपने विजिट को इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, मैं इजीली जिगल मोड में अपने विजिट को इस तरह से रिसाइज कर सकता हूँ। ऑल्सो iOS 18 में आपको कूल न्यू कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो आप अपने ऐप आइकॉन को ऑल न्यू डार्क लुक दे सकते हैं, जहाँ पे आपके ऐप आइकॉन कुछ इस तरह से डार्क हो जाएंगे, या फिर आप ऑल न्यू कस्टमाइजेशन के थ्रू अपने ऐप आइकॉन्स को इस तरह से नया टिंटेड लुक दे सकते हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर अपने ऐप आइकॉन के लिए चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आप टिंटेड में ही इस कलर पिकर को चूज करके अपने होम स्क्रीन के आइकॉन्स अपने वॉलपेपर को मैच करा सकते हैं। और अभी ये बेटा 1 है तो आपको कुछ ऐप आइकॉन ऐसे दिखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका ऐप आइकॉन मिसिंग है। सो ये डेफिनेटली आगे आने वाले बेटा में फिक्स हो जाएगा। इन शॉर्ट, एप्पल ने एक काफी बड़ा मूव किया है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अनदर चेंज जो आपको iOS 18 के लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बॉटम में दिए गए इन डिफॉल्ट आइकॉन को आप रिमूव करके अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे आइकॉन लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी लेफ्ट पे कैमरा लगाया है हुआ है और राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे मैग्नीफाई लगा दूंगा। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन को लेके ये मेजर चेंज आपको iOS 18 के बेटा 1 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, iOS 18 में आपको ऑल न्यू कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है और नाउ आप कंट्रोल सेंटर में होम स्क्रीन की तरह ही लॉन्ग प्रेस करके कंट्रोल को रिमूव कर सकते हैं और नए कंट्रोल्स इस कंट्रोल गैलरी में से ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहे तो कुछ कंट्रोल को आप इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑल न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन अब आप कर सकते हैं। मोर ऑन, कंट्रोल सेंटर में फ्लैश लाइट को यूज करने पे यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड में एनिमेशन देखने को मिलेगा और ये एनिमेशन काफी कूल है। ऑल्सो कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे टॉप पे आपको पावर ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली iOS 18 में आपको ऑल न्यू कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से इस कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, iOS 18 में नाउ आपको फाइनली ऐप लॉक एंड हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने ऐप्स फेस आईडी की हेल्प से लॉक कर सकते हैं, ऑल्सो फेस आईडी की हेल्प से इनको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ से रिक्वायर्ड फेस आईडी पे क्लिक करना है, देन अगेन रिक्वायर्ड फेस आईडी पे टैप करके एक बार अपने आईफोन को फेस आईडी से स्कैन कर लेना है। एक बार ऐप लॉक हो जाने के बाद जैसे आप अपना ऐप ओपन करने का ट्राई करेंगे ये आपकी फेस आईडी मांगेगा और आपकी फेस आईडी से ही ये ऐप को ओपन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो अगेन एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वायर्ड फेस आईडी, उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी। उसके बाद जैसे ही आप अपना फेस स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड ऐप का प्रॉम्प्ट आएगा। उसके बाद जैसे आप हाइड ऐप पे क्लिक करेंगे आपका ऐप यहाँ से होम स्क्रीन से हट जाएगा। उसके बाद जिस एप्लीकेशन को आपने हाइड किया है उसको यूज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप लाइब्रेरी में और बॉटम में जाके यहाँ पे हिडन फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप अपनी फेस आईडी से अपना आईफोन स्कैन करेंगे आपका हिडन ऐप यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि वंस अगेन आपकी फेस आईडी से ही ओपन होगा। तो ये एक लॉन्ग अवेटेड फीचर था जो आपको iOS 18 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, iOS 18 में आपको फोटोज ऐप को लेके एक बहुत बड़ा रीडिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पे एप्पल ने कम्प्लीटली इस एप्लीकेशन को नए तरीके से डिजाइन किया है। एज यू कैन सी यहाँ पे टोटली डिफरेंट डिजाइन है और अगर आप यहाँ से बॉटम में जाएंगे तो फिल्टर में जाके आप कुछ इस तरह से अपने फोटोज शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट शो करना है या फिर नहीं। तो ये बहुत बड़ा मेजर रीडिजाइन है जो यहाँ पे एप्पल ने iOS 18 के साथ फोटोज ऐप में किया है। नेक्स्ट, iOS 18 में आपको ऑल न्यू सेपरेट पासवर्ड करके एक ऐप मिल जाता है जो आपकी फेस आईडी से एक्सेस होता है।
और यहाँ पे आपके सारे पासवर्ड अच्छे से ऑर्गेनाइज है, जैसे कि ये ऑल पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड, सिक्योरिटी इशू वाले कुछ पासवर्ड होंगे तो यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरह से पासवर्ड ऐप में नाउ आपके सारे पासवर्ड अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने वाले हैं। इससे पहले पासवर्ड को मैनेज करने के लिए आपको आपके आईफोन के सेटिंग में जाना पड़ रहा था, तो यहाँ पे iOS 18 के साथ पासवर्ड एप्लीकेशन को सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट, iOS 18 में आपको फोन एप्लीकेशन में लॉन्ग अवेटेड T9 डायलिंग देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जैसे ही आप इस तरह से नंबर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको सजेशन में दिखा देगा कि आप कौन सा नंबर डायल करना चाह रहे हैं। जैसे आप इस पे टैप करेंगे आपका पूरा नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। सो नाउ विथ iOS 18 आपको पूरा नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कॉन्टेक्ट ऑलरेडी आपके आईफोन में सेव है। ऑल्सो फोन एप्लीकेशन को लेके एक और मेजर अपडेट है कि iOS 18 फाइनल रिलीज के साथ आपको कॉल रिकॉर्डिंग अपने आईफोन में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अनाउंसमेंट के साथ होगा, बट ये लॉन्ग अवेटेड फीचर है जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अगला चेंज जो आपको iOS 18 में देखने को मिलता है वो है आपके आईफोन की सेटिंग एप्लीकेशन को लेके, जहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन का रिवैम्प हुआ है और नाउ आपके एप्लीकेशन का सेक्शन यहाँ से अलग हो गया है, जहाँ से आप सारे एप्लीकेशन का सेटिंग्स कर पाएंगे। प्रीवियसली iOS 17 में आपके सारे ऐप सेटिंग में ही लिस्टेड होते थे और उससे आपके सेटिंग का स्क्रॉल काफ़ी लंबा हो जाता था। सो फाइनली iOS 18 के साथ आपके सारे एप्लीकेशन का सेटिंग यहाँ से अलग हो गया है और ये बिल्कुल ऐप लाइब्रेरी की तरह फंक्शन करता है। iOS 18 में आपको नाउ अब आई मैसेज को लेके एक नया अपडेट देखने को मिलता है, जहाँ पे नाउ अब अपना मैसेज टैग सिलेक्ट करके उनको टैक्स इफेक्ट दे सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टैक्स इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक टैक्स इफेक्ट सिलेक्ट करके आप कुछ इस तरह से टैक्स इफेक्ट के साथ अपना मैसेज सेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, iOS 18 के साथ आपको आई मैसेज में सेंड लेटर का फीचर मिलता है, जिसको यूज करके आप अपने हिसाब से अपना मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं और अपने हिसाब से शेड्यूल्ड मैसेज सेंड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, मैंने सैटरडे 4 AM का मैसेज शेड्यूल किया है, तो ऑटोमेटिकली सैटरडे 4 AM को सेंड हो जाएगा। एंड सेंड लेटर मैसेज सेंड करने के बाद अगर आप चाहे तो अपना टाइम एडिट कर सकते हैं या फिर इस मैसेज को इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। फाइनली iOS 18 में आपको ऑल न्यू सीरी देखने को मिलता है विथ ऑल न्यू एप्पल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, जो कि आईफोन के लिए A17 प्रो चिपसेट के बाद आने वाले सारे आईफोन में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आईपैड और मैकबुक की बात करें तो M1 सिलिकॉन के बाद आने वाले सारे मैक एंड आईपैड में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस में आपको देखने को मिलने वाला है जो इस ईयर के एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए ये किसी भी आईफोन या फिर डेवलपर के लिए अवेलेबल नहीं है। सो जब भी एप्पल अपना सीरी विथ एप्पल इंटेलिजेंस रिलीज करेगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। सो नाउ, क्या आपको iOS 18 डेवलपर बेटा 1 आपके आईफोन में डाउन इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं? आप iOS 18 डेवलपर बेटा 1 अपने आईफोन में डाउन इंस्टॉल ना करें, बिकॉज इसका ये ऑल न्यू कस्टमाइजेशन ऑप्शन काफी ज्यादा मेरे आईफोन 14 प्रो को हीट अप कर रहा है और मुझे ये लग रहा है कि बेटा 1 डाउनलोड करने से आपकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो सकती है, बिकॉज मेरा आईफोन 14 प्रो एज आई सेड एक्सट्रीमली हीट हो रहा है। तो अभी के लिए आप इस डेवलपर बेटा 1 को अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो आपका हेल्पफुल लगा दैन प्लीज वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। iOS 18 को लेके सारे अपडेट्स आपको आई डिवाइसेस केयर पे रेगुलरली मिलने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी हमारा चैनल आई डिवाइसेस केयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।